का अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आपको ढेर सारी क्लासें मिल जाएंगी, और क्लास को एंड तक देखना, एंड स्क्रीन पे भी आपको पिछली क्लासें मिल जाएंगी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रेखा और कोण। रेखा को इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, कोण को बोलते हैं एंगल। देखो एंगल क्या होता है, रेखा क्या होती है, पहले इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पहले इनसे परिचित हो जाइए, उसके बाद फिर हम इनके और एक्टिविटी बताते हैं, इनके गुण बताते हैं क्या कैसे होता है। तो दोस्तों रेखा की अगर परिभाषा बोलें तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, कुछ लोग समझ भी नहीं पाते हैं रेखा का चिन्ह क्या है और लाइन और ये लाइन सेगमेंट का क्या है, यानी रेखाखंड। देखो दोनों में अंतर होता है, रेखाखंड से रेखा बनी या फिर रेखा से रेखाखंड बनी, ये काफ़ी कन्फ्यूजन है ना। लेकिन हम ये कहेंगे कि रेखाखंड से रेखा बनती है। देखो कैसे, जब रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जाता है, इनफाइनाइट, कोई निश्चित लिमिट नहीं है, चाहे जहाँ तक बढ़ाओ, तब इसे रेखा कहते हैं। कैसे, एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है, देखो जितना रेड लाइन है ये रेखाखंड है, लेकिन जो ब्लैक में पूरा जा रही, दोनों तरफ को जा रही, वो क्या है भैया, वो पूरा रेखा है, यानी ये पूरी लाइन रेखा है, लेकिन जो लाल कलर की हो क्या है, रेखाखंड है। अब इनके बारे में थोड़ा सा अंतर समझ लो। आप लोग ये कहोगे कि यार ये रेखाखंड तो ये बता रहे हैं, लेकिन मुसीबत यहाँ पे एक ये है कि ये रेखाखंड क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती ना, आपके मन में सवाल आएगा कि फिर रेखाखंड की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए मैं उसको भी दिखा देता हूँ, इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से देख लीजिए। रेखाखंड क्या होता है दोस्तों, रेखाखंड को लाइन सेगमेंट कहा जाता है। एक समतल में स्थित दो बिंदुओं को परस्पर मिलाने से बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। कैसे, चलो प्रैक्टिकल देख लेते हैं। एक समतल, ये समतल है, समतल मतलब ऊबड़ खाबड़ ना हो, ठीक है, प्लेन है ये, यहाँ पे दो बिंदु स्थित हैं, मान लिया मैंने ये दोनों बिंदु हैं, ठीक है, इनको सीधा मिलाएं, एक दूसरे में सीधा मिला दें ये, तो इस तरह से जो ये आकृति बन रही है, जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड की एक खासियत होती है कि ये किसी भी तरफ को बढ़ेगी नहीं, किसी साइड को बढ़ेगी नहीं, ये रेखाखंड है। जबकि रेखा की खासियत होती, रेखा का चिन्ह ये होता है कि इसमें दोनों तरफ एरो रहता है। एरो का मतलब ये है कि दोनों तरफ को बढ़ रही है, एरो ना होने की वजह से लग रहा है कि कटी हुई है, ये किसी तरफ को बढ़ेगी नहीं। अगर ये एरो सिर्फ एक तरफ को है तो इसे किरण बोलेंगे, समझ गए ना, ये किरण है, ये रेखा है, ये रेखाखंड है, तीनों में अंतर है भैया। रेखाखंड में किसी तरफ तीर का निशान नहीं रहेगा, रेखा में दोनों तरफ तीर का निशान रहेगा, जबकि किरण में एक तरफ तीर का निशान रहेगा, दोनों तरफ नहीं रहेगा। जैसे हमने बाण देखा होगा, भगवान रामचंद्र जी लेके चलते हैं, रामायण वगैरह में देखा होगा, तो उसमें एक ही तरफ नोक रहता बस, समझ गए। तो इसको आप समझ लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए फटाफट, देर नहीं करिए।